हेलो दोस्तों, रिव्यू पॉइंट के फ्रेश एपिसोड में आपका खूब खूब स्वागत है। दोस्तों अभी अभी देखा मैंने लाइगर का ट्रेलर, जिसमें लीड रोल के कैरेक्टर में हमारे विजय देवरा कोंडा चॉकलेटी बॉय कबीर सिंह के मुख्य कार्यकर्ता, और भाई उनके साथ उनकी माँ के कैरेक्टर में हमारी प्यारी राजमाता शिवगामी देवी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, उनका नाम है, क्या नाम है साला, भूल गया फिर से मैं। तो कौन मारा बे? रम्या कृष्णा भाई हीरो हो गया, हीरो की माँ गई, अभी बचा कौन? अपनी प्यारी हीरोइन, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट हार्ड वर्किंग, और भाई क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड ही नहीं उसको बोलने के लिए, हमारी प्यारी अनन्या पांडे। किसी ने सुना तो नहीं? अच्छा ठीक है, छोड़ो बात को। भाई जब ट्रेलर स्टार्ट हुआ ना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ट्रेलर चालू, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई वीडियो सॉन्ग देख रहा हूँ एक वीडियो का। और भाई वो जब गाना सुना ना मैंने, तो भाई मुझे एक ही गाने की याद आ गई, हमारे अक्षय कुमार 140 करोड़ के कार्यकर्ता बच्चन 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 पांडे। भाई आप बोलेंगे मैं ऐसा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अक्षय कुमार भी ऐसा ऐसा करता है, तो जो भी बोलना उसको जाके बोलो, मेरा मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात आई गई थी डायरेक्टर ने। दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्टोरी की, तो भाई डायरेक्टर ने पता है विजय देवरकोंडा को स्टोरी कैसी सुनाएंगी? भाई तेरे को बॉडी बनाना है और बॉक्सिंग करना है, मस्त डोले शोले बना, बॉक्सिंग कर, फिर विजय देवरकोंडा ने बोलाऊंगा भाई डायलॉग का क्या, डायलॉग ही तो मेन है। तो फिर वो बोले कि भाई तेरे डायलॉग बोलने तक पूरी पिक्चर खत्म हो जाएंगी 2.5 घंटे की, तो तू डायलॉग छोड़ ही दे, क्योंकि तेरे को रोल करना है शेष तालपड़े का, जो कि गोलमाल के कार्यकर्ता है, गोलमाल में रह चुके, जो कि अटक अटक के बोलते हैं भाई, उसका तेरे को रोल करना है, समझ गया? तो डायलॉग तो तू भूल ही गया, एक भी मूवी में एक्टिंग। लेकिन तुमको क्या लगाऊंगा विजय देवरकोंडा ने डायलॉग नहीं बोलेंगे? भाई एक डायलॉग बोला इतना खतरनाक, आई लव यू, इतना खतरनाक डायलॉग है। और भाई उसके बाद एंट्री होती है अनन्या पांडे की, स्टारिंग मल्टी टैलेंटेड एक्टर। भाई मैं क्या बोलूँ, मेरे को आग से आंसू निकल रहे हैं मेरे भाई, काय को यार क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, मैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भाई है तो भाई बोलना पड़ेगा उसके बारे में, लेकिन नहीं बोलना है, उसको स्किप करो। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं रम्या कृष्णन की, जो कि विजय देवरकोंडा की माँ के किरदार में दिख रही है। दोस्तों उनकी बात करूँ ना यार, तो उनकी एक्टिंग देख के ना एकदम मजा आ जाती है, वो हर एक जो भी रोल करते हैं ना उसमें एकदम फिट बैठ जाती है। और दोस्तों उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में कुछ दिखाई नहीं ज़्यादा, जो भी दिखाया विजय देवरकोंडा को फोकस करते हुए दिखाया, और वह बॉक्सिंग को फोकस करते हुए दिखाया, और खास करके वो जो गाना है ना उसको ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं कि ट्रेलर देख रहा हूँ मैं, लेकिन भाई ट्रेलर ना बहुत मजा ही देख के। दोस्तों उसके बाद ट्रेलर के एंड में एक ऐसे शख्सियत को दिखाया गया कि भाई जो अमेरिका के फार्मर बॉक्सर रह चुके हैं, जिनका नाम है माइक टायसन। भाई अगर आपने माइक टायसन को देखे ले नहीं होंगे, सुने ले नहीं होंगे, तो भाई गूगल का के लिए, गूगल उसी के लिए तो है, तो भाई सर्च करो और देखो एक नंबर, और भाई आनंद लो। मुझे तो इंतजार है कि भाई उनका लास्ट में कुछ यार फाइटिंग वाइटिंग दिखाना चाहिए दोनों का, विजय देवरकोंडा और माइक टायसन का, तो भाई मजा आ जाएंगे मूवी देखने में। भाई अगर आपने अभी तक इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखे होंगे, तो भाई गला पड़ गया क्या मेरा। हेलो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखे होंगे, तो भाई जल्दी से जाओ यूट्यूब में और भाई देख लो लाइगर का ट्रेलर, क्योंकि यह मूवी आने वाली है 25 अगस्त को, अगस्त महीने में। भाई जून जुलाई अगस्त, भाई क्या मूवीज आ रही है यार, मैं तो एक्साइटेड हूँ। और खास करके शमशेरा भाई कल रिलीज होने वाली है। दोस्तों तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कल मैं देखने वाला हूँ शमशेरा, और भाई उसका रिव्यू करूँगा मैं जल्दी से। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।